स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अभिमन्यु के ब्लॉग्स पर। तो गाइस आज मैं और नन्नू जाने वाले हैं केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो क्या क्या होगा वीडियो में आप जरूर देखना। तो अभी बज रहे हैं 8, तो अभी हमारे ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ, एक और बात सबसे जरूरी, हम जा रहे हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, है ना नन्नू? तो गाइस ट्रेन का टाइम हो गया, अभी जो बाकी बातें हैं कहाँ कैसे क्यों कब करना है वो आपके साथ मैं ट्रेन के अंदर बैठ के करूंगा। तो अभी सफर शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री भोले। तो दोस्तों, घर वालों का आशीर्वाद लेने के बाद हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों को भी केदारनाथ धाम जाना है तो आप जहां से भी आ रहे हो, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो पहले आपको आना पड़ेगा हरिद्वार, पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार। फिर सुबह 5 बजे हरिद्वार से बस पकड़ के आप लोग पहुंचोगे 9 घंटे का ट्रैवल करके सीतापुर। सीतापुर से 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप लोग पहुंचोगे सोनप्रयाग, और आप वहां पे भी स्टे कर सकते हो अगर आपका मन है तो, नहीं तो आप सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर टैक्सी करके जा सकते हो गौरीकुंड। मेनली लोग गौरीकुंड में रुकते हैं क्योंकि उसकी वजह ये है, क्योंकि जो मेन ट्रैक है ना केदारनाथ धाम का, जो पैदल ट्रैक है, वो शुरू होता है गौरीकुंड से ही। तो हमने भी पटियाला से ट्रेन पकड़ी और सफर का मजा लेते हुए पहुंच गए हरिद्वार। तो हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली हरिद्वार। भाई बहुत ही मुश्किल से 2.5 घंटे लेट चल रही ट्रेन हमारी, और अभी हम वहां से निकले हैं। स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही पेट्रोल पंप है, उसके बिल्कुल बगल में ही है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। आप अनन्नू उधर दिखाए थोड़ा सा, वो देखो उस साइड पर है, वो इंक्वायरी है वहां पे बन रहे हैं। ये 2 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगा, ये देखो सिर्फ 1 मिनट हमारे ये कार्ड तैयार हो गया आधार कार्ड दिखाने के बाद, क्योंकि ना साइट नहीं चल रही है, आप ऑनलाइन ही इसको कर सकते हो। फिलहाल ऑफलाइन चल रही है, ये ऑनलाइन जो पोर्टल है वो खुल नहीं रहा है। तो अभी हम हरिद्वार आ गए हैं और कल की हमारी वो है यात्रा, तो अभी फटाफट चलते हैं रूम में। अभी हम हरिद्वार में स्टे करेंगे क्योंकि हम ना आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, रिलैक्स हो गए। आज हरिद्वार रुकेंगे, फिर नेक्स्ट अगले दिन हम 5 बजे बस पकड़ के सोन पे जाएंगे, वहाँ रुकेंगे। तो आएगा आपको मैं बताता रहूँगा, है ना? तो भी बाकी बातें होटल में जाके करते रहो, चलो चलते हैं। तो गाइस जो ये ऑफिस है ना, इसका एक साइड पे ना ताला लगा हुआ है, कहीं आप उसको देखे वापस चले जाओ। इसके 2 गेट हैं, तो दूसरे गेट से आप अंदर आ सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऐसे 4 धाम भी बने हुए हैं, पूरा इसका पेंटिंग हो रखी है। नन्नू आया दिखा थोड़ा सा, ये दिखा ना पेंटिंग, दिखा 4 धाम की पेंटिंग हो रखी है। और आप बाहर देख रहे हो, वो देखो बाहर की तरफ पूरा बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है। स्टेशन से बाहर आओगे, उसके पास पेट्रोल पंप, उसके पास में है ये ऑफिस, पूरा बाहर रहता है। तो गाइस हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और आप ये देख रहे हो ये रहा रेलवे स्टेशन हरिद्वार का, और यहाँ से हमने टुक टुक किया है हर की पौड़ी के लिए, वहीं जाकर हम लोग होटल लेंगे, वहीं रहेंगे। और शेयरिंग में किया हमने टुक टुक, 20 रुपए एक बंदे के हैं। तो आप मतलब सब कुछ पास पास में है, यहाँ से हरिद्वार से आप बाहर आओगे बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही उनका ऑफिस है जहाँ से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपनी। और 2 मिनट लगे हमें, सिर्फ आधार कार्ड दिया और हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। तो अभी चलते हैं होटल, अभी होटल लेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और फिर कल सुबह भी निकलना, 5 बजे बस पकड़नी है हमें सोनप्रयाग की, ठीक है ना? तो मिलते हैं आपको सीधा होटल में जाके। हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं होटल के अंदर, हमने रूम ले लिया है, और जो हमने ये रूम लिया है ना, ये बिल्कुल गंगा जी के किनारे पे ही, मतलब भीमगोड़ा करके एक एरिया है, उसके अंदर ये होटल है। तो सब कुछ यहाँ पे ना वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब शॉप्स वगैरह अच्छी हैं, मार्केट, और पैदल चल के हम वहाँ जाऊँगा अभी थोड़ी देर में ना। अभी 5 बजे हैं, अभी थोड़ी देर में ना, मतलब 1 घंटा रेस्ट करके 6-7 बजे वहाँ पे ना आरती होती है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी मतलब थक भी बहुत गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लें। तो आरती देखने के बाद, आपको दिखाने के बाद, फिर डिनर विनर करने के बाद मस्त अपन आके सोएंगे यहाँ पे, और सुबह फिर जाएंगे सुबह 5 बजे बस पकड़ के सोनप्रयाग, फिर उसके बाद आय का दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अभी आपको सीधा गंगा जी के आरती के टाइम पे, ठीक है ना? गाइस भीड़ देख रहे हो आप, भाई कितनी भीड़, नन्नू भीड़ देख भाई कितनी लंबी, वो देख पूरा वहां तक, बस अभी स्टार्ट होने वाली आरती है ना, हो जाएगी स्टार्ट। तू भीड़ देख भाई, मैं तो भीड़ देख रहा हूँ, मेरे बाहर से भी आए हुए हैं लोग, वो देखो भाई।
तो गाइस आरती हो चुकी है गंगा मैया की, बहुत ही मजा आया हम लोगों को, क्यों नन्नू? और हमने भी वो क्या बोलते हैं दिया अर्पण किया गंगा जी को, मजा आया। मतलब 10 मिनट की आरती होती है पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी भाई, बहुत ही ज्यादा। पीछे देख रहे हो अभी भी बहुत बहुत ज्यादा भीड़, मजा आया उतना ही। तो अभी हम जा रहे हैं रूम में वापिस, तो क्योंकि अभी हमें जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना है, तो सुबह अभी निकलना पड़ेगा। जो मेरे मन के अंदर था कि गंगा मैया की मैं आरती देख लूं, वो हो गया इस बार। तो पिछली बार आया था तो नहीं हुआ था, अभी मैंने गंगा मैया की आरती देख ली भाई, बहुत मजा, बहुत बढ़िया लगा। तो अभी रूम में चलते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग अभी गंगा जी की आरती करके आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। तो भाई अभी तो बस मेरे को डिनर करना है, अभी डिनर मंगवा रखा हम लोगों ने अपना, अभी डिनर करेंगे और रूम में जाएंगे और सुबह मिलेंगे आपको सीधा बस स्टैंड पे, जब सोनक्रैक जाना होगा तो कल बताऊँगा। तो आप बहुत ज़्यादा थक जाऊँ भाई, बहुत सारा। तो अभी डिनर करते हैं, मिलते हैं आपको कल। हर हर महादेव गाइस, तो आज है दूसरा दिन और हम लोग हो गए हैं तैयार, 4 बजने वाले हैं, लेट हो गए हैं, नहीं 5 बजने वाले हैं, लेट हो गए हैं, 5 बजने वाले हैं। तो फटाफट जाना पड़ेगा बस स्टैंड, अबे खोल इसको, अभी होटल को छोड़ रहे हैं फटाफट, अभी ऑटो करना है करके निकलना है यहाँ से, बहुत लेट हो गए हैं। हाँ जी भैया जी, जा रहे हैं हम लोग, आउटिंग डालनी है। तो गाइस हमने रूम छोड़ दिया है और अभी बज रहे हैं, अभी 5 बजने वाले हैं, लेट हो गए हैं, थोड़ा सा बस पकड़नी है, फटाफट बस स्टैंड जाना, टिक टिक टुक टिक टुक बोल रहा हूँ, टुक टुक करके, अभी टुक टुक कहाँ से मिलेगी पता नहीं। तो अभी बस स्टैंड पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके बात करते हैं आपसे, है ना, लेट हो रहे हैं, फटाफट टुक टुक करते हैं। हेलो भाई, तो लेट हो गए थे तो अभी हमने बस पकड़ी है सोनक्रैक की हरिद्वार बस स्टैंड से, बड़ी अच्छे टाइम पे बस मिल गई और चल पड़ी साथ के साथ। हर हर महादेव गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर भाई। 5 बजे बस चल पड़ी थी और 2 बजे पहुंचाया, 9 घंटे हो गए बैठे बैठे, मेरे को पीठ भी दर्द होने लगी तेरी भाई, बुरा बहुत बुरा हाल है भाई, पूरा 9 घंटे इतना और गोल 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 सफर भाई। तो फाइनली पहुंच गए हैं, अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सोनप्रयाग और उससे 5 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड। तो अभी सोच रहे हैं कि सोनप्रयाग में होटल लें या गौरीकुंड में, तो अभी आगे चलते हैं, रूम लेते हैं तो आपको दिखाते हैं ना। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग भाई, क्या व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है भाई। और ये रास्ता जाएगा पैदल पैदल सोनप्रयाग और गौरीकुंड। तो गाइस आप देख रहे हो सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं हम लोग पीछे, पर जैसे ही यहाँ पहुंचे, अभी थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी भाई, अभी तो एकदम बारिश पड़ने लग गई है, शुरुआत हो गई है बारिश की। सोचा नहीं था, मेरे को लगा था मौसम क्लियर होगा, पर या तो बारिश पड़नी शुरू हो गई है ननू भाई, मौसम ठंडा हो गया, बारिश पड़ने लग गई, अब तो और जल्दी जल्दी रूम लेना पड़ेगा भाई, फटाफट चलो रूम लो, फटाफट रूम में जाके ले बैठते हैं, आपसे बात करते हैं। ये देखो गाइस यहाँ से क्लियर दिख रही है पूरी पार्किंग, ये देखो बाइक्स लगे हुए हैं इधर, गाड़ियाँ पूरा, ये पार्किंग है, अगर आप पर्सनल व्हीकल पर आते हो तो आपकी बाइक और गाड़ी यहीं तक आएगी, यहीं लगेगी, और पूरी भरी हुई है भाई साहब। और नन्नू कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है, सीट ठीक है, सिर सूट ठीक हो गया ना बस में से उतर के? हाँ जी, बस में दर्द हो रहा था, खाना है अभी खाया, हाँ भूख लग रही, कुछ नहीं खाया सुबह से, अभी एंटर किए हैं सोनप्रयाग में, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर रूम देख रहे हैं नन्नू। तो गाइस फाइनली हमें रूम मिल गया है और बहुत जल्दी मिल गया और बहुत बढ़िया, मतलब छोटा सा रूम है ये देखो भाई, इतना सा रूम है, बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा है और बिल्कुल अभी 1000 रुपये पड़ा है एक दिन के लिए, 1000 रुपये, कोई महंगा नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं इसको ना आपको बाहर से दिखाता हूँ एक बार, ठीक है ना, उस तरह से दिखाता हूँ, ये देखिए
जो चेकिंग वाला सेंटर है ना, जो वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, वो सामने ही है बिल्कुल हमारे रूम के। अभी हम वहीं जाने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, वो हमें चेकिंग कराएंगे अपनी, ताकि कल हम सीधा निकल सके यात्रा पे। और ये देखिए मार्केट आ गई नीचे पूरी, और ये यहाँ पे बालकनी मिली हुई है अपना, और ये हमारा रूम है, देखिए नंबर बड़ा है। तो बढ़िया रूम मिल गया, बढ़िया पैसे के अंदर, बढ़िया एकदम बजट के अंदर। तो अभी चलते हैं चेकिंग कराते हैं, नीचे आके आपको दिखाते हैं। तो चलो गाइस, तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं चेकिंग कराने। मेरे को लग गया लाइन में पीछे, चेकिंग हो भी रही है। तो गाइस ये हमने करा लिया अपना, चेकिंग करवा ली है। अभी कल हम यहाँ से सीधा ही निकल जाएंगे मंदिर की तरफ, कल हमें चेकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा। और ये अभी चेक होंगे सीधा ऊपर मंदिर में जाके। किधर गया मैं लग रहा, किधर गया ये हाल देखो इसका। तो अभी कुछ खाते पीते हैं भाई, सुबह से 5 बजे से निकल गए, 3 बजे उठे थे, कुछ नहीं खाया हुआ, सिर्फ पानी के दम पे जी रहे हैं। तो फटाफट कुछ खाते हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मज़ा आ रहा है पूरा भाई साहब, बढ़िया लग रहा है एरिया, है ना नन्नू? क्या बारिश रुक जाए भाई, बारिश होनी चाहिए, धूप भी है बारिश भी है, दोनों मौसम बन रखे हैं। तो देखो बादल दिखा दे एक बार, बादल देखो। तो चलो अभी खाते हैं, फिर रूम में जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे ना। तो गाइस अभी फाइनली पूरे सुबह 3 बजे उठने के बाद अभी मिला है हमें खाना। मैंने मंगवाया आलू का परोंठा, ये देखो इतना बड़ा है, और इसने मसाला डोसा, डोसे ऐसे मुंह बना रखे हैं इसने। तो अभी खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं ना नन्नू, करो शुरू। तो गाइस मेरे पीछे देख रहे होगे लोग ना आ भी गए हैं वापस, टाइम क्या नन्नू? टाइम 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, लोग वापस आ चुके हैं। और -3 डिग्री टेम्परेचर है ऊपर इस टाइम पे, -3, और रात में पता नहीं क्या हाल होएगा। तो अभी हम गौरीकुंड जा रहे हैं, गौरीकुंड चेक करते हैं जाके एक बार, क्योंकि रूम हमने लिया है सोन प्रयाग में। अभी गौरीकुंड जाते हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं क्या सीन है, एक बार देख के आते हैं। -3 टेम्परेचर भैया, तो भी हो रही है बारिश, यहाँ हो रही है अभी, कल ऊपर ऊपर ना हो बारिश, ऊपर होगी अभी तो। चलो देखते हैं अभी आगे के क्या सीन है। तो गाइस जहाँ पे हमने रूम लिया ना सोन प्रयाग में, जहाँ पे हमने दिखाया था रजिस्ट्रेशन, हमने चेक करवाई थी, वहां से अगर आप 200 मीटर पैदल चल के आओगे ना, तो आपको ये ब्रिज दिखेगा यहाँ पे, ये देखो ये ब्रिज दिख रहा है, वो इसके एंड में देखो टैक्सी दिख रही है आपको, वहां से आप टैक्सी कर सकते हो, टैक्सी शेयरिंग में जाती है, 50 रुपए एक पर्सन के हैं, और वो आपको गौरीकुंड लेके जाएगी, वहां से पैदल यात्रा स्टार्ट होगी आपकी, क्योंकि अभी बारिश पड़ चुकी है बहुत तेज, तो इसलिए हम वहां जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। एक बार और दिखाया नन्नू, ये ब्रिज है, और ब्रिज के बिल्कुल आखिरी में बिल्कुल टैक्सी है, वहां से आपको टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए, पैदल यात्रा के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं रूम में, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश तेज हो गई है। ले लिए ग्लव्स? अरे अच्छे, हाँ ग्लव्स ले लिए भाई, ठंड बहुत है भाई, अभी हो गया इधर नीचे ठंड हो गई है, तो ऊपर क्या हाल होएगा। हर हर महादेव गाइस, तो अभी बज गए रात के 9, और हम आए नीचे डिनर करने के लिए, और आप देख ही रहे होंगे जैकेटें और स्वेटशर्ट पड़ गई हैं हमारी, पहले हम ऐसे ही आ गए थे, तो अभी डाल के आए हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है गाइस। तो आप देख रहे हो चहल पहल अभी भी है, 9 बजे भी पीछे पूरा एकदम मार्केट खुला है, हमें सोन प्रयाग में देखो पूरा खुला हुआ मार्केट, अभी भी लोग आ रहे हैं जाते ये को पीछे बैग वैग लेके अभी भी आ रहे हैं, तो बढ़िया माहौल है एकदम बढ़िया मस्त। अभी ऊपर का मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ऊपर 2-3 डिग्री तो मिनिमम है, माइनस में भी जा सकता है। तो किधर गया, कैसा लग रहा है? ठंड बढ़ गई बस बारिश की वजह से। हाँ सच, बारिश पड़ी थी ना उसकी वजह से ठंड बढ़ गई एकदम से, बट पर वैसे अभी एकदम माहौल पूरा अच्छा हो रखा है। तो अभी डिनर करते हैं, ठीक है ना, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी रात हो चुकी है भाई साहब, बारिश के बाद 15 डिग्री टेम्परेचर हो गया, रजाइयाँ ले रखी हैं नन्नू मैंने, रूम के अंदर है भाई साहब, ठंड लग रही है भाई, ठंड बहुत है नीचे ही। अभी तो सोन प्रयाग में है, अभी गए थे हम लोग बाहर बिस्किट विस्किट लिए कल जाने के लिए, क्योंकि 3-4 पे निकल जाएंगे ना सुबह,
तो बिस्किट विस्किट लिया है, नमकीन लिया है, ग्लव्स लेके आए भाई, हाथ ठंडे हो गए, सुन हो गए हाथ, जहाँ से ग्लव्स खरीदे हैं भाई, वो रेनकोट खरीदा है, क्रीम व्रीम पानी वानी लिया भाई, सारी शॉपिंग करके आए हैं और फटाफट रूम में घुसे, रजाई में घुसे, बहुत ठंड हो गई। ऊपर सोचो कितना बुरा हाल हो गया भाई, नीचे 15 डिग्री हो रहा है इस टाइम पे, ऊपर तो माइनस में जा रहा है भाई साहब। नन्नू कैसे जाएंगे? चले जाएंगे। हर हर बोले। तो भाई साहब अभी आप लोगों को सीधा सुबह मिलेंगे जिस टाइम यात्रा स्टार्ट करेंगे कल की, तो अभी तो अगर रेस्ट करेंगे फुल रजाई के अंदर गर्मैश करेंगे, तो आपको कल मिलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव गाइस। तो गाइस अभी 4 बज चुके हैं सुबह के और हमने रूम छोड़ दिया है, बैग जमा करा दिया क्लोक रूम में और अभी लाइन में लगे हुए हैं, टैक्सी की लाइन लगी हुई है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उस साइड से भी। इतनी लंबी लाइन भाई, इतनी बड़ी लाइन है, ये टैक्सी की लाइन है, इस साइड पे रजिस्ट्रेशन हो रही है जिन्होंने नहीं करवाई थी, चेक हो रहा उनका रजिस्ट्रेशन, और इस साइड टैक्सी है और ये नन्नू है। नन्नू कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मौसम कैसा? मौसम कल से तो ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। हाँ, स्वेटशर्ट वगैरह पहन ली। तो चलो अभी देखते हैं, अभी जाएंगे टैक्सी करेंगे, गोरीकुंड जाएंगे, वहाँ से फिर पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे। बस हर हर महादेव, मिलते हैं आपको भी वहाँ जाके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोरीकुंड, तो वहाँ से टैक्सी करी थी हमने सोनप्रयाग से, 50 रुपये एक बंदे के, और बहुत ही प्यारा व्यू है भाई, एक पीछे दिखा नन्नू, बहुत ही प्यारा व्यू भाई, बढ़िया एकदम। तो अभी गोरीकुंड पहुंच गए, अभी यात्रा हमारी मेन यात्रा स्टार्ट हुई है, तो अभी हम जाने वाले हैं अभी केदारनाथ जी, तो अभी करते हैं यात्रा शुरू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। होगी शुरू यात्रा? हाँ जी, हाँ जी होगी। नन्नू भाई, हालत ख़राब होगी हमारी। नहीं कि कितना चले होंगे अभी? 3 किलोमीटर? 3-4 हो गया। 3-4 किलोमीटर में हालत ख़राब होगी हमारी। दो चार बार लिया। और ये पीछे जगह देख रहे हो ना आप, ये देखो, ये कोई जगह सी बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ से वो पीछे पॉइंट दिख रहा है, देखो, और भीड़ देखो यहाँ पे कितनी है, स्पेशल फोटो वीडियो के लिए। उस साइड से भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी हम सुबह से खाली पेट थे ना, क्योंकि वही 3 बजे उठे, लाइन में लगे, 4 बजे 5 बजे शायद यात्रा शुरू हुई, तो अभी यात्रा कर रहे थे। अभी मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट 3-4-5 कितने किलोमीटर हुए हैं, बट अभी लग रहा है कि शरीर मांग रहा है कुछ, बिल्कुल खाली पेट है, तो यहाँ रुके हैं। 2 मैगी बनवाई है, 60-60 रुपये की एक मैगी, ऊपर और महंगी हो जाएगी, ऊपर तो मेरे को लगता है 100 रुपये की होगी,
पानी की बोतल भी 100 रुपए की, नीचे 50 थी, उसके नीचे 20 थी, 30 थी, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना महंगा होता जाता है। तो पानी वाली नीचे से लेके जाओ अपने एक आधी बोतल, और बिस्कुट वगैरह लेके जाओ, वो रखे हुए हैं हमने, वो आगे के लिए रखे हुए हैं, हर बार रुकेंगे नहीं, बिस्किट चॉकलेट वगैरह हम रखी हुई है एनर्जी के लिए। तो अभी खाएंगे मैगी यहाँ पे, 10-15 मिनट बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे यात्रा शुरू करेंगे बाबा जी की। हर हर महादेव। और नन्नू क्या खा रहा है भाई? मैगी खा लो। हेलो गाइस, मैगी खा लो, देखो मैगी खा लो गाइस। यार ये इतने ना अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, इसको ना खाने पीने की पड़ेगी, यहाँ रुकवा लिया, मैगी खानी है मेरे को, मेरे को मामू मैगी खिलवा दो। भाई भाई रुक जा, चलने दे, बोले लोग जा रहे हैं अभी, पता नहीं कितना किलोमीटर हुआ, बोल रहा मैगी खानी मम्मू, शर्म ही नहीं है। चलो बच्चा क्या कर सकते हैं, मिलते हैं आप लोगों को आगे। देखे कोड़ा जय बनो, जय 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 जय। फिर चढ़ाई देख रहे हो, चढ़ाई एकदम सीधी जा रही है, सीधी, और अभी तो 25% भी नहीं हुई। कैसे हो नन्नू, कैसे हो? लग नहीं रहे, चढ़ाइयां देख देख के ना जब जा रही हैं, ऐसे बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है भाई, हालत खराब होगी। एक कदम चलने की आदत नहीं है अभी, है ना, 6 किलोमीटर पड़ा अभी भी। रात को सिर्फ 3 घंटे की नींद ली है। चलो भाई अभी 6 किलोमीटर चलते हैं अभी, ठीक है, खत्म करते हैं, पहुंचते हैं बाबे के पास। तो गाइस 5 बज गए हैं, सुबह 5:30 बजे यात्रा शुरू हुई थी, 3 बजे से उठ रखे हैं और 5 बज गए शाम के, और अभी पहुंचे हैं गेट पे केदारनाथ जी के, आप पीछे देख रहे होंगे, अभी आपको दूर से दर्शन कराता हूं उनके। तो गाइस आपको दिख रहे होंगे वो बैठे हो रहे हमारे केदारनाथ धाम। भाई साहब इतने तरस गए इस दर्शन के लिए, अभी तो पूरे नहीं हुए फिर भी। हर हर महादेव गाइस। तो गाइस हम ना अभी इस टाइम खड़े हैं, पीछे देख रहे हो केदार धाम पहुंच चुके हैं, हम केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पे 5:30-6 बजे पहुंचे थे, टेंट वेंट लिया तो हमें ना मतलब 6:30-7 बज गए थे, और बॉडी में इतना पेन था क्योंकि 12 घंटे की ट्रैवलिंग थी, पैदल वॉकिंग करी है हमने, इतना पेन था, इतना पेन, हम बेड पे लेटे भाई, कब आँख लगी पता नहीं चला, और अभी आँख खुली है 9 बजे, और जब हम आए हैं यहाँ पे 9:30 बज रहे होंगे ना,
9:30 बज रहे हैं, तो कपाट बंद हो चुके हैं, आप पीछे देख ही रहे होंगे। तो अभी हम कल सुबह आएंगे 5 बजे, आज दर्शन नहीं कर पाए, कल सुबह 5 बजे आएंगे, 5 बजे आरती भी होगी, लाइन भी लगेगी, दर्शन भी करेंगे, ठीक है ना। तो भाई मेरे को बड़ा बुरा लगा कि आज मैं दर्शन नहीं कर पाया, पर भाई बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बच रही, इतनी बुरी मतलब इतनी खतरनाक की चढ़ाई थी ना भाई, 12 घंटे लग गए, 13 घंटे चढ़ाई करने में। तो अभी आपको कल मिलते हैं सीधा, हर हर महादेव गाइस, हर हर महादेव। हनु डर लग रहा देख के साले थल्ले, क्या हो गया नन्नू, थोड़ी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी है, कंबल ले रखा है उसके ऊपर मोटी सी रजाई ले रखी है, तब भी गर्मी लग रही है। पानी मणि पीना है? हर हर महादेव गाइस, तो भी बज रहे हैं 3:30 और हम लोग आ गए हैं वापस केदारनाथ धाम। और अभी पूरा माहौल चेंज हो गया है, दुकानें और पूरी खुल गई हैं, पूरा पीछे भीड़ लगा हुआ है, लाइन भी लगी है इतनी जल्दी। तो अभी हम प्रसाद दिखा, तो और हमने प्रसाद भी ले लिया अभी, तो अभी हम भी जा रहे हैं कुंड से जल भरेंगे अंदर चढ़ाने के लिए। तो जैसा देख रहेंगे सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है भाई, इतनी ठंडा इस टाइम यहाँ पे। और उधर का भी दिखाता हूँ कितनी भीड़ है क्या है। हर हर महादेव, लाइन देख लू और तक आ गई। तो गाइस लाइन देखो, वो द्वार से लेके स्टार्टिंग से लेके ये जा रही है ऐसे, और डबल ट्रिपल बन रखे हैं यहाँ तक। और अभी तो 3:30 हुए हैं, भीड़ देखो आप कितनी यहाँ पे। जय दो लोग से गंगा जल से हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं केदारनाथ धाम के, भाई बहुत ही मज़ा, बहुत ही सुकून मिला हमें, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। और अभी हम आए हैं बैक साइड पे केदारनाथ जी के, आप देख रहे होंगे भीमशिला है पीछे, इसे भीमशिला बोलते हैं, इसे भीम का गदा भी बोलते हैं, जिसने यही वो शिला है जिसने जब बाढ़ के अंदर मंदिर को बचाया था। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, इससे मैं काम पर आऊँ भाई, -1 degree टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और अभी यहाँ से हम जाएंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। ननु मंदिर दिखा जरा भैरवनाथ जी का भैया, तो हमें अभी वहाँ जाना है, वहाँ दर्शन करेंगे जाके। तो उसके बाद भाई अभी टेंट में जाएंगे वापस, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई, पर श्रद्धालु उतने ही आ रहे हैं, कुछ कमी नहीं हो रही, बहुत बढ़िया माहौल हो रखा है यहाँ पे, -1 temperature इस टाइम पे है। फटाफट चलते हैं, दर्शन करते हैं भैरवनाथ बाबा के और भीमशिला के, और फिर निकलते हैं टेंट की तरफ, फिर उसके बाद हमें नीचे भी जाना है सोनप्रयाग। तो मिलते हैं आपको वहाँ जाके। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे टेंट लगा के, पर्सनल टेंट मतलब अपने टेंट लगा रखे हैं लोगों ने, खरीद के जो लेके आते हैं ना अपने साथ, अपने टेंट लगा रखे हैं बिल्कुल पास में मंदिर के। ये रहा मंदिर, ये भीमशिला, और यहाँ पे टेंट लगा रखे हैं। कोई भी अपना अगर उसके पास टेंट है ना प्राइवेट, तो अपना लेके आ सकता, कोई उसका पैसा नहीं कुछ नहीं, बस जगह देखो, अपना टेंट लगा के रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये देखो व्यू देखो भाई, वो देखो ऊपर, अब इधर सूरज की, इधर का सूरज की, वो देखो भाई कैसे एकदम ऐसे ना नन्नू, ऐसे ना सोने जैसा बन गया ऊपर से, है ना। और थोड़ा आगे और दिखाते हैं आपको,
भाई श्रद्धालु पूरे आ रखे हैं, ये देखो उधर दिखाओ, और वो लाइन देखो उधर बढ़ती जा रही है, वो सामने लाइन है मंदिर में माथा टेकने की, और ये आंगन है मंदिर के पास नीचे, यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं, सब बैठे हैं, और वो जो वहाँ जहाँ से लोग पानी भरे ना अनु हमने भी भरना है, वहाँ से पानी भर रहे हैं, वहाँ वो वहाँ से जल भर के घर लेके जाते हैं। भाई ठंड बहुत है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अगर आपको खुद से टेंट वगैरह लेना है, रूम वगैरह लेना, तो आपको वो 2,900-2,500 मतलब सब जगह पे लग ली, जितना दूर जाओगे उतना सस्ता, जितना पास में रहोगे उतना महंगा पड़ेगा। तो अभी चलते हैं भैरवनाथ जी के मंदिर, वो आपको दिख रहा होगा, देखो वो लाइटें जल रही हैं, वो देखो लाइटें जल रही पीछे, वो पूरी यहाँ से चढ़ाई करके जाना है। अभी वहाँ चलते हैं, माथा देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। नन्नू जा रहा है, तो दोस्तों नन्नू जा रहा है अभी जल भरवाने, जल्दी जा 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 जा। तो भाई जल भरा लिया हमने, तो आप लोग भी जो यहाँ पे आना, तो मंदिर के पीछे बिल्कुल कुंड है, वहाँ से जल जरूर भरवाना और घर लेके जाना दोस्तों। तो ये ना श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि है, अगर आप ये भीमशिला से थोड़ा सा ऊपर आओगे तो यहाँ पे भी बन रही है, आप देख रहे हो, आपको अंदर से दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है जी, देखिए ये शंकराचार्य जी, ये देखिए बहुत ही प्यारी। तो दोस्तों अब वो देखो यहाँ से एंटर सा भी वो रास्ता जाएगा भैरवनाथ जी के मंदिर में, और यहाँ पे माथा टेकना ज़रूरी है, इसके बिना यात्रा नहीं पूरी होती है, लगती नहीं है मतलब। और जब भी यहाँ पर आओ यहाँ पर माथा टेक के जाना। अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर भी दिखाएंगे, कुछ चढ़ाई बहुत है ना, तो ऊपर जाके सीधा मिलते हैं आपको। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने, भाई हमें लगा था तो 5 मिनट में 10 मिनट में आन जान कर लेंगे, पीछे वो देखो वहाँ है अभी ऊपर, और एरिया देखो आप देख रहे हो, केदारनाथ जी भी नीचे रह गए इतने, उससे भी ऊपर आ गए, और उस साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ कितनी एकदम ना तीखी चढ़ाई है, मैं दिखाता हूँ एकदम, ये देखो दोस्तों कितनी सीधी चढ़ाई है, दूर से लगता है आराम चला जाएगा बंदा, बहुत सीधी चढ़ाई है। वो रहा मंदिर, उससे ऊपर आ गए हैं, और उससे और ऊपर जाना है, वहाँ पर सब कुछ नीचे चला गया है, ऐसा ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है नन्नू और मेरे को, जितना इतना ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन लेनी मुश्किल हो रही है। तो फटाफट चलते हैं दर्शन करते हैं, चल भी नन्नू चल, जय भैरवनाथ। जोत में डाल, रुक हाँ डाल दे सारा डाल दे, जय बाबा, ये पोतली का डाल दे, तो दोस्तों इतना ऊंचा आ गया ना हम लोग, भैरवनाथ का मंदिर इतना ऊंचा है, आ इधर आने मैं दिखा दूँ, वो आप देख रहे हो हेलीपैड, अभी हेलीकॉप्टर उड़ेगा ना वो आप देखना, वो कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, हम उनसे ऊपर हैं, वो वहाँ पे माथा टेक के आ रहे हैं, वो भैरवनाथ माथा टेक के आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर नीचे उड़ रहे हैं, केदारनाथ बाबा भी वो देखो मंदिर वो नीचे है, और हम उनसे भी कितना ऊपर आ गए, और इतना इतना ऑक्सीजन का कमी लग रहा है ना, इतना वाला सांस लेने में नाक में दिक्कत हो गया, तो अभी दर्शन कर लिए हैं, अभी जा रहे हैं नीचे वापस टेंट में, थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, फिर नीचे के लिए उतरेंगे, तो मिलते हैं आपको नीचे आगे। हर हर महादेव गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को टेंट दिखाता हूँ अपना, जहाँ पे हमने स्टे किया था, आप पीछे देख रहे होगे रीपिंग वाला है पूरा ही पूरा टेंट, तो अंदर से दिखाता हूँ अभी आगे आपको ना मैं। और नन्नू भाई
तो गाइस ये है हमारा टेंट, ये देखिए, ये गरम चाय पानी करने के लिए हमें कैटल भी दी हुई थी, ठीक है। ये इतना बड़ा है, यहाँ पे प्लग चार्जिंग पॉइंट भी हैं, एक सिंगल बेड है, दो डबल बेड है, और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या लगी, ये यहाँ पे शेयरिंग बाथरूम है, और मतलब साथ में ही है, अटैच्ड बाथरूम दिया हुआ है गीज़र के साथ, गीज़र और टॉयलेट वगैरह मतलब अटैच्ड है बीच में, तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो ये था टेंट गाइस जो मैंने आपको दिखाया, और 2000 पे एक दिन का था ये पूरे टेंट का, दो या तीन लोग रुक सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है, 2000 पे लिया अगले ने हमसे। और मंदिर यहाँ से 300-400 मीटर दूर रहा होगा, और ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से गए, आराम से आए। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना खा के फटाक से नीचे उतरेंगे दोबारा सोनप्रयाग, ठीक है ना। तो फटाफट वहाँ जाके बात करते हैं आपसे। तो गाइस ये हेलीपैड है केदारनाथ जी का, बिल्कुल 500-600 मीटर दूरी है केदारनाथ मंदिर से, आप यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। इसकी बुकिंग IRCTC तो होती है, heliyatra.irctc, वहाँ जाए लॉगिन करो, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए उसके अंदर, और आपको पूरी डिटेल दिखाएगा, डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है, कितना प्राइस है, क्योंकि रिसेंट मैंने भी चेक किया है अक्टूबर के अंदर, तो किसी भी डेट में कोई भी स्लॉट नहीं है, मतलब बुक हैं पूरे स्लॉट, तो वो आप पे डिपेंड है, तो कितनी देर पहले आप करवाते हो ना। IRCTC से ही इसकी बुकिंग होती है हेलीकॉप्टर की। तो ये हेलीपैड है, और यहाँ से 500 मीटर पीछे ही मंदिर है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, पर आप, मेरे को लगता है आपको बहुत देर पहले ही इसकी बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि एक भी डेट नहीं है 31 तक के, कोई स्लॉट खाली हो, सबके सब बुक है। वो देखिए आगे किधर गया, तो अपने हिसाब से प्लान कीजिए, थोड़ा पहले ही अपनी बुकिंग करवाइए, ताकि आप टाइम पर आ सकें और टाइम पर जा सकें। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30, और टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का 11 डिग्री, रात में था, रात में नहीं सुबह भी था ना जी। रात में और सुबह -1 चला गया था, तो अभी तो 10 मतलब 9-10 बजे तो ठीक हो जा रहा है टेम्परेचर, अभी 11 टेम्परेचर है 10:30 बजे। पीछे देखिए व्यू कितना प्यारा, पूरी धूप खिल गई है इस टाइम यहाँ पे, क्लियर मौसम, प्लेजेंट मौसम भाई, एकदम बढ़िया है। ये आओ जरूर केदारधाम के दर्शन करो भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अभी मिल रहे हैं, अभी हम नीचे जा रहे हैं सोनप्रयाग वापस, तो मिलते हैं रात में, बात करते करते जाएंगे नीचे भी, बात करेंगे आपसे। राम लाल दोस्तों, ये भाई है हमारे असम से आ रहे हैं, और इनका एक भाई वो पीछे बैठा है, ये साइकिलों पे आ रहे हैं भाई साहब, कुछ साइकिलों पे। ये कहाँ से आ रहे हो? हम असम से निकले हुए, आज 22 दिन हो गया असम से निकले, 22 दिन हो गए, और आज पहुँच गए केदारनाथ। 2400 किलोमीटर का सफर तय करके साइकिलों पे, और कुछ लोग यहाँ पे खचरों पे जा रहे हैं नीचे गोरीकुंड से, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, मतलब इतना भी नहीं चढ़ सकते लोग, और ये 2400 किलोमीटर साइकिलों पे आ रहे हैं भाई। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिल के, आपको देख के लोगों को सीखना चाहिए। तो गाइस आओ केदारनाथ, तो थोड़ा अपना हिम्मत किया करो, पैदल वैदल आया करो, थोड़ा खचरों पे इधर उधर आ जाते हो क्या फ़ायदा उसका। हाँ, जो बुज़ुर्ग हैं वो आए, जो बुज़ुर्ग है जो नहीं चल सकता, बच्चे हैं वो आए खचरों पे, पालकी पे आए, अबे हमारे जैसे जो चल सकते हैं भाई वो भी चढ़े हुए हैं खचरों पे, उधर को हट्टे कट्टे नौजवान और वो चढ़ रहा है ऊपर, तो क्या फ़ायदा इसका ना। और ये भाई है साइकिल पे 2400 किलोमीटर पे आ रहा है, बताओ। तो चलो अपनी अपनी सोच है, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों नवंबर में ना दिवाली के एक दिन बाद ये यात्रा बंद हो जाएगी, तो बहुत कम टाइम बचा आपके लिए यात्रा करने के लिए, तो आइए केदारनाथ धाम की अब आप दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत सारे विकल्प, अगर नहीं आ सकते आप लोग, जैसे कि हेलीकॉप्टर की सुविधा है, आप घोड़े खच्चर पे आ सकते हैं, पालकी है, पिट्ठू है, और अगर पैदल आना है तो उससे तो अच्छी बात कोई नहीं है भाई, क्योंकि जितना कष्ट दोगे ना उतना ही फल देगा यह केदारधाम। तो मेरा तो बोलना यह है कि सबको आना चाहिए, बहुत कम टाइम बचा है,
15 तारीख के बाद यहाँ पे स्नोफॉल होने के चांसेस है क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, उसके बाद ये पूरा इलाका जो है ये पूरा जैसे वो बर्फ है ये पूरा इलाका बर्फ में ढक जाएगा, तो उस टाइम और ज्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे ये देखो आप अपने प्राइवेट टेंट भी लेके आ सकते हो, देखो पीछे लगे हुए हैं, तो आप ऐसे प्राइवेट टेंट लेके आ सकते हो, कोई पैसा नहीं है। अगर आप अपना टेंट है आप अपना टेंट लगा सकते हो, और अगर आप और 500 से लेके 900, 1000, 1500, 2000 हर तरह के आपको यहाँ पे टेंट और रूम मिलेंगे, अवेलेबल है यहाँ पे आपके बजट के हिसाब से, तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। आइए केदारनाथ धाम के आप दर्शन कीजिए। और गाइज अगर आपको किसी स्पेशल चीज़ के बारे में पूछना है, कोई रूम के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका नंबर वगैरह या पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये था केदारनाथ धाम की यात्रा का व्लॉग, तो मिलते हैं आपको किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। Thank you.